आजकल कार मॉडिफिकेशंस का शौक हर किसी को है। अब कई लोग जो है कार के जो कलर शेड्स है उनको चेंज करा लेते हैं, कई रैप्स करा लेते हैं, कई मैट एंड फिनिश करा लेते हैं। सो उसी चीज़ को पूरा करते हुए आज मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर ब्रेजा का एक न्यू कलर शेड यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अब ये जो आप ब्रेजा यहाँ पर देख रहे हैं ये नॉर्मल ब्रेजा है जो कि अभी करंट जनरेशन में है, बट इसका जो एक कलर आप अभी देख रहे हैं ये पूरा मैट एंड फिनिश में है एंड एक न्यू कलर शेड यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे अपकमिंग वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। ये जो कलर अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा मैट फिनिश के अंदर है। एक बार मैं आपको पास से जो इसका कलर है वो थोड़ा सा शोकेस कर देता हूँ। पूरी तरीके से जो मैट एंड फिनिश है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी और कोई भी जो चेंजेस है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर यहाँ पर शोकेस की गई है। और बात करूँ मैं वेरिएंट की तो ये ZXi प्लस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप यहाँ पर देख रहे हैं और जो कलर शेड है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है मैट कलर के अंदर। और आप भी कॉमेंट करके बताएँ कि आपको ये जो कलर शेड है वो कैसा लग रहा है। बात करें अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की तो और कोई भी जो चेंजेस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कुछ जो एसेसरीज़ हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इसके लोअर पार्ट के अंदर कुछ एसेसरीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, इधर मिल रही हैं। और जो कलर शेड है वो काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो इसके डुअल बैरल हेडलैम्प्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं और कोई भी जो चेंजेस है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे। एक बार मैं आपको जो साइड लुक है वो भी दिखाना चाहूँगा। सो काफ़ी लोगों का मन होता है कि मॉडिफिकेशन वगैरह कराने का, तो उस चीज़ को शायद मारुति सुजुकी फ्यूचर में ज़रूर पूरा कर सकता है ब्रेजा को एज अ मैट फिनिश के अंदर लॉन्च करने के बाद। यहाँ पर आप इसका जो साइड लुक है वो भी देख सकते हैं, डायमंड कट के अंदर जो इसके पूरे अलॉय व्हील्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मैट एंड फिनिश है इसको और भी ज़्यादा एक जो स्टर्निंग लुक है वो यहाँ पर दे रहे हैं। इस वेरियंट के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा भी ऑफर किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो एसेसरीज़ हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि इसके लोअर पार्ट में भी है, यहाँ पर भी है। और पूरा जो मैट एंड फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। मैं आपको एक बार इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो भी दिखा देता हूँ। कोई भी इसके अंदर मैकेनिकल टेक्निकल कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ जो इसका शेड है उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो सिर्फ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइस, ये न्यू कलर शेड आपको कैसा लगा जो कि ब्रेजा के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है? अब अगर ये मार्केट के अंदर आता है तो क्या आप इसको ऑप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।